हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हो तो क्या सारे अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज मैं अपने दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ एंड रात में मैं यहीं आ गया था सरिता विहार इनके साथ स्टे करने पीजी में। तो अभी हम जा कर रहे हैं, पता 0°C कनॉट प्लेस। हम जा रहे हैं 0°C, आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत तगड़ी जगह है। एंड जो हमारे कुछ दोस्त थे जो समर आईटी में थे, तो उनसे आज मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जब छुट्टी ले रहे थे तो उनसे आज मिलने जा रहे हैं। एंड और बता क्या प्लान है फिर? और बस 0° जाएंगे, खाए पिएंगे, बातें बातें करेंगे। पहले चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जनपद पे आए थे, वहाँ से चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं जय के हिसाब से, और सच में हम लेट हो चुके हैं। तो अब फटाफट से यहाँ से क्या करते हैं भाई, क्या करना है? 0° चलना है। ऑटो फटाफट से पहले ऑटो पकड़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। भैया भैया यार क्या करें, भैया चलो यार अब चलते आगे, थोड़ा फटाफट से ऑटो पकड़ते हैं, उसके बाद चलते। नहीं तो बहुत मारेंगे यार वो लोग, बहुत मारेंगे, कहेंगे बेशर्म हो तुम, इतने लेट आ रहे हो, हमसे भी ज़्यादा लेट। नहीं मैंने उन लोगों को बता दिया था, उन लोगों में और जल्दीबाजी हो जाएगी क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ नहीं 0°। हम कैसे बैठे एडजस्ट करके जा रहे हैं मेरे ऊपर है, इसका हाल है नहीं कोई, ये लगता किसी साइड से 21 साल का, ये 21, ये सेकंड बड़ा है और जो आगे बैठा है ना वो सबसे बड़ा है में से। वो 22 साल का है, वो 22 साल का है। हाँ तो फिर भी चलो आगे बैठे, उसने मारा छोटे बच्चों का मान रख लिया। ये देख लो 21 साल का लोना 19 साल के लोने के ऊपर बैठा है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं 0° एंड शिवा वगैरह सब वहीं खड़े हैं। चलो रुक जा, पकड़ो पैसे तो। और अभी पैसे दे रही है, ये लो भैया। चलो जी ये लो पकड़, रुपम का रह गया। तो चलो जी भाई, पैसे वैसे भी दे दिए, अब मिलते हैं और मिलाता हूँ। फाइनली पहुँच चुके हैं एंड सब लोग खड़े हैं, ईशान भी ब्लॉक कर रहे हैं, रुपम अलीशा हाय, क्या देर से तो मिल के आया, देर चल। ये तो बताइए शिव्या हाय, एंड ये जेबीएम ब्लॉग लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 0° तो अब 0° में चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अदरवाइज सारे सिर्फ दो फेस नए हैं, अदरवाइज सबको आप जानते ही हो, मोस्टली आप सबको जानते हो, पर दो फेस नए हैं। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या करते हैं, क्या मस्ती वस्ती करते हैं और सब चीज़ें। We chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
विदाई हो रही है भाई, विदाई। ये सारा ब्लॉग के लिए हो रहा है, ये देख लो ऐसे होते हैं लोग। तो अभी ईशान अपना कर रहा है रिव्यू वगैरह एंड ऑल दैट, एंड उसका अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज़रूर देखना। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया, प्लस उसके में देखना, उसके में ज़्यादा अच्छे से डिटेल सब कुछ दे रखा है। मैंने तो एज अ BTS शूट किया है, सो मज़ा आया होगा आपको, मैं इतना कह सकता हूँ। एंड जितने साल नए नए ऑसम मिलाया आपको मैंने, सो यही अच्छा लगा। और अभी आपने देखी हमारे सबकी विदाइयाँ, बहुत टाइम बाद मिले थे तो वो सब भी है। एंड अभी चलते हैं। हाँ भाई, हाँ देखो क्या अच्छा लगा भाई, बेस्ट लगा एंड पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट लगा मेरे को तो। मेरा तो यार वाइट सॉस पास्ता, लुइसियाना पास्ता एंड पिज़्ज़ा। हाँ ब्लैक करंट शेक बहुत बढ़िया था, ब्लैक करंट शेक भी बहुत बढ़िया था। ओवरऑल आप यहाँ पे आ सकते हैं, शेक पिया, शेक शेक पिया इन्होंने, शेक यहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा। और कैसा लगा, मज़ा आया इतना टाइम बाद हमसे मिल के? हाँ यार साले मिलते रहते हैं लेकिन मैं पहली बार मिली हूँ सबसे भाई। एंड अब हम जब इंटर्नशिप के लिए जाएंगे उसके बाद मिलेंगे आराम से, 6 महीने की है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मई में ही मिलेंगे मेरे बर्थडे के दिन ही, अप्रैल में इसका आएगा। अगर उस टाइम तक भाई अप्रैल में अगर इसके टाइम तक हम आ गए तब तो है, अदरवाइज मई तो मेरा है। और मई में तीन लोग का आता है, मेरा, रश्मित का, रूपम का, है ना, हम तीन का ही है ना मई में, मई में हम तीन का ही आता है बर्थडे। हाँ मेरा बर्थडे आ रहा है, 6 महीने इन दो का आएगा, बट हम रहेंगे नहीं। कब है, कब है शाम को पार्टी? तुम लोग कब है? डेट बोल दो, डेट 24 मैं चले जाऊंगा। मेरा 16 को है, SOLA 16 भाई, इसका 16 को है, इसका 22 को है भाई। मैं तो 15 को ही चला जाऊंगा, 15 को मेरी रिपोर्टिंग है IT की, सो जहां भी जाऊंगा आपको वहां का दिखाऊंगा मैं IT क्या होता हूं, बहुत मज़ा आएगा। एंड दूसरी जगह पे जाऊंगा मैं IT के लिए, भर भर के मज़ा आएगा, पहले बता देता हूं। मेरे को नहीं याद है इसका, मेरे को भी इसको किसी का भी याद नहीं है, वो एक ही जने का पता उसका नहीं। मैं 22 नंबर को इसको दूंगा, वो बीच पार्टी, ऊ बीच पार्टी, ये बीच में खड़ा हो जाएगा फिर मेरे को पार्टी देगा। चलो भाई चलो चलो, तो चलो अब चलते हैं। एंड आगे जा जाऊंगा आपको वो दिखाता हूँ मैं अलग से। चलो चले, अबे चल ले भाई, मूवी के लिए लेट हो जाएंगे, हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय, नहीं मूवी का रिव्यू बचा, अभी रुक जाओ, वो भी देंगे। तो क्राउन इंटीरियर मॉल हम पहुंच गए हैं, एंड हमेशा की तरह हम लेट हैं आज भी, पिछली बार भी लेट थे, इस बार लेट है। लेट मतलब हमारे तो पता नहीं, अलग से नाता हो गया रिश्तेदार वाला। मूवी देखने जाओ, टिकट बुक करो, 10 मिनट तो मैसे लेट होते हैं जैसे ना, मतलब आम ही बात है भाई। आज 10 मिनट लेट नहीं है, 3:15 का शो था, पूरे 3:15 हो रहे हैं। आप अभी मॉल पे पहुंच गए, 4 फ्लोर चढ़ के जाना है, अब उसके बाद देखते हैं आगे, देखते हैं नहीं भागते हैं, चल भाग रहे हैं उससे, तब तक तू भाग तब तक मैं आता हूँ। तो भाई यही सब था, एंड अभी मूवी देखेंगे उसके बाद बताऊँगा आपको कैसा था, स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दूंगा जैसे पिछले वाले में मैंने बहुत दे दिया था। एंड ऑल्सो अगर आपने 0° का फुल रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था, दोबारा भी बोल दिया है ईशान ने, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देख लेना, पूरा लिंक है। और बहुत मज़ा आया यार दोस्तों के साथ इतने टाइम बाद। एंड अभी अब जब IT में जाएंगे उसका तो और ही अलग सीन मिलेगा आपको, तो यही सब है। आपको उदयपुर के ब्लॉग्स मिलेंगे, मेरे गोवा के ब्लॉग्स मिलेंगे, तो देखने मत भूलना यार। तो यही सब है, अब अंदर तो चलते हैं, ले लेते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं उसके बाद। तो ये मॉल है देख सकते हो भाई, बड़ा ही गजब है, मज़ा आ गया देख कर एक बार। ले अभी 4 फ्लोर चढ़ के ऊपर चलना है, उसके बाद देखते, थक गया हूँ खा के, ऐसे नहीं थका, ऐसे तो एनर्जी पता ही है क्या ही सॉलिड है, बट हाँ आज भाई मज़ा आ गया 0 में। अगर किसी को आना भाई आओ, बहुत मज़ेदार है। एंड मैंने पहले शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि फटाफट हमें निकलना था, सो पहले हमने शिव्य को भी निकलना था, पहले शिव्य को हमने स्टेशन पे छोड़ दिया मेट्रो के, वहाँ से निकल गए और सब अपना गए दिल्ली घूमने, दिल्ली में ही घूमने के लिए, सो दैट उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि
हम लोग का प्लान था ऑलरेडी, हमने रात में ही बुकिंग कर दी थी। सुबह पता लगता है कि अलीशा कहती है मेरी छुट्टी है, मैं छुट्टी ले रही हूँ एंड फुल डे स्पेंड करेंगे। मैंने कहा ये चीज़ मेरे को पहले बताना चाहिए थी, उसने ऐसी बहुत लेट बताई। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब प्लान करेंगे मेरी आईटी से, हमारी आईटी से जाने से पहले एक बार प्लान करेंगे एंड उसमें फुल डे सिर्फ दोस्तों के साथ ही होगा। सो उसका तो अलग ही सीन होगा, बस यही है। एंड अभी फटाफट पहले अंदर चलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, हम ऑलरेडी 2-3 मिनट लेट हो चुके हैं। सो फटाफट से चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं आगे। भाई अभी इंटरमिशन है, हम इंटरवल वॉल हो सकते हैं तो नहीं बताएंगे मूवी कैसी है, खुद देख के जाओ। 50% बहुत मज़ा आया, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ऑसम मूवी 50% में भाई मज़ा सा आ गया एकदम। मेरी सुनो बात, हम कुछ नहीं बताएंगे, खुद देख के जाओ मूवी। अब भी टिकट लो, अब भी देख के जाओ। अरे आज वीडियो अपलोड हो रही है, आज ही मैं रात तक मैं इसको डाल दूंगा। सो इस बात पे एक लाइक फटाफट से कर दो, सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया अभी तक। हाँ एंड ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं क्योंकि पिछले वाले में से कॉपीराइट आ गया था, इस वाले में नहीं चाहिए भाई। कॉपीराइट भी नहीं चाहिए और दूसरी बात भी मूवी वर्थ वॉचिंग है, देखो आगे भाई। और 3D में देखोगे ज़्यादा मज़ा आएगा, बट 2D में भी बहुत सही है। बट अगर 4D में देखा तो भाई साहब IMAX 4D मैं कह रहा हूँ, IMAX 3D देखो या फिर 4DX देखो, उसका तो नशा ही अलग है, बहुत तगड़ा। मतलब हमें तो 3D मिल पाई। तो भाई मेरी सुनो बात, 4DX की हमें टिकट नहीं मिल पाई क्योंकि हाउसफुल फॉर ना IMAX की टिकट मिली। बट अगर आपको मौका मिलता है, नहीं IMAX की टिकट तो मिल रही थी पर वो ना थी 700 रुपये की, तो 700 रुपये में मूवी तो देखने जाने वाले मार्वल फैंस हैं। बट एक लिमिट है, बजट की प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले घर से बाहर है उतने घर से पैसे मिलते हैं। दूसरी बात, 3D या 4DX में मिल देखो मूवी, मज़ा आ जाएगा। एंड हमारी तो 4DX में टिकट नहीं हो पाई, बड़ी मतलब जो टाइमिंग नहीं सूट हो रही थी, जो टाइमिंग हमें सूट कर रही थी उसकी टिकट नहीं मिली। तो 4DX में देखो मज़ा आएगा, और भाई साहब क्या तगड़ी मूवी है, मज़ा आ गया। अभी तो एक्चुअल में एक्शन पार्ट है वो बाकी है, अभी एक्शन बचा, अभी तो हाफ ही हुई है मूवी, बट मज़ा आ गया यार। एंड जिस मॉल में हूँ मैं, इसका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा, अगर यहाँ के देखना हो तो यहाँ के भी देख सकते हो, किसी भी सिनेमा में देख सकते हो। चलो हम फिर ये सनफिस्ट की ऐड आ रही है वो एंजॉय करें, आलिया भट्ट आई है। चलो चलो मिलते हैं इसके बाद एंड आपको देखो फुल फ्लेज रिव्यू की कैसा है क्या है। पहली बात तो हमने फुल फ्लेज रिव्यू हाफ मूवी दे दिया, इसमें से थोड़ा कट भी करेंगे, ज़्यादा हो गया। चलो मिलते हैं मूवी के बाद, बाय बाय। भाई मैं इसलिए आगे स्टार्टिंग में व्लॉग कर रहा था, व्लॉग करते करते खेल रहा था वीडियो बनाते हुए। भाई व्लॉग में इसने 3 पॉइंट बनाए हैं, आप देख लो, एक बना उसके बाद भी, एक बना उसके बाद भी, कोई नहीं में भी 3 हार गया ये 4 से, बट एंड वाला जीत गया भाई, गोल्डन जीत गया, 4 में से 1 जीता ये एंड वाला। भाई अब देख लो एंड तक इसको मैंने सिखा दिया था कैसे करते हैं। भाई एक मिनट, मेरा लास्ट जब खेला था फर्स्ट टाइम खेला था, तब भी जब दिसंबर में लास्ट टाइम खेला था फर्स्ट टाइम था, मैंने 4 साल पहले खेला था, फर्स्ट टाइम था। हाँ तो मैंने भी 2-3 बार ही खेल रखा है, तो 2-3 बार ये मेरी सेकंड टाइम था अभी तक में। भाई मैं 2-3 बार ही खेला है, ज़्यादा है, हार गया यार ये, कहीं नहीं भाई, चल कोई बात नहीं, बट मज़ा बहुत आया भाई साहब। मूवी का रिव्यू, मूवी गजब, देख के आओ, इससे ज़्यादा नहीं रिव्यू दे सकते हम, सिर्फ देख के आओ। टिकट बुक माय शो पेटीएम वॉक इन जो मर्जी कर रही करो, मूवी देख के आओ, गजब है। अगर ये वाली लोकेशन में, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में ग्राउंड इंटीरियर में आता तो बॉलिंग भी कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। सो प्लीज़ वॉच द मूवी, बहुत अमेजिंग मूवी भाई, देखो। मज़ा नहीं आया ना तो मेरे को गाली सुना देना कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वापस, कोई दिक्कत नहीं, गाली सुना देना कमेंट बॉक्स में, बट मूवी देख कर आओ, अगर पसंद नहीं आई तो ऐसा हो नहीं सकता पसंद ना आए, और देखना भी 3D या 4DX में। हाँ 2D में उतना मज़ा आएगा नहीं, सीधे सी बात है यार, क्योंकि जब वो सब चीज़ें आती है ना मुंह की तरफ, मज़ा सा आ जाता है देख कर। तो बस अभी इतना ही है, अब क्या करने का कहना भाई,
नो आइडिया यार, देखते हैं अभी। अभी कुछ करने का हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जय माता दी बस भाई। सो जैसा कि आपने देखा कि आज का पूरा दिन कैसा कैसा गया, सबसे मिला अलीशा रूपम से बहुत टाइम, लाइक लास्ट जो मिले थे वो सेकेंड वेव से पहले तब मिले थे एक बार, एंड उसके बाद आज जाके मिला है, तो भाई बहुत मज़ा आया एंड बहुत मज़ा किया हमने। लाइक माना कि उसके बाद हमें मूवी नहीं चला गया, बट मूवी वॉज डैम गुड भाई, जाके देखो मज़ा आ जाएगा। स्पॉयलर ज़्यादा नहीं दे रहा, बट ये है बैंग बैंग, इतना मज़ा आना है। तो बस यही बोलूँगा यार कि जाओ देखो एंड यू विल लव द मूवी, और बहुत मज़ा आया बहुत टाइम बाद। एंड रियली सॉरी भाई, बहुत टाइम से मेरी वीडियो है, अप्रॉक्स 20 दिन हो गए मेरी एक वीडियो नहीं है, अब जाके ये आ रही है। बिकॉज बीच में कुछ थोड़े पंगे पड़ गए थे, फ़ोन में इशू हो गया था, उसको अपडेट कराया, वो भी ठीक हुआ, फिर एक दो चीज़ और थी, तो यही सब था। एंड अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई बेल बटन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन आएगा। एंड अब वीडियो नहीं रुकने वाली, अब और भी आएंगी नई नई तरह की चैलेंजेस और लाऊंगा। तो बस स्टे एंड कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी।